dear students, after completing two chapters, let us start chapter 3 of class 9, that is the coordinate geometry. Coordinate geometry is that branch of mathematics in which geometry is studied with the help of algebra. But here in this chapter, we shall focus on certain basic concepts and the terms related to the coordinate geometry. Here, like you have studied about the number line. What do you mean by number line? It is a line in which distances from a fixed point are marked off in equal units, positively in one direction and negatively in other direction. नंबर लाइन में हम लोग नंबर्स को प्लेस करते हैं एट एन इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड हियर वन डायरेक्शन शोज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अदर डायरेक्शन शोज नेगेटिव डायरेक्शन सो यू हैव स्टडीड यू हैव अवेयर विद द number line. This is also the number line, and here this direction above direction shows positive direction, and below this is the negative direction, and this is called the vertical line, this is called the horizontal line. And here we have already studied how to locate a point on a number line. You have also know how to describe the position of a point on the number line. छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग दो नंबर्स के बीच में किसी रेशनल नंबर्स को प्लेस करते हैं, कैसे उसको लोकेट कर सकते हैं. इन क्लास 9 यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर. इन प्रीवियस क्लासेस टू रिप्रेजेंट यू हैव अवेयर विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. So anyway, this is the basic concepts. But there are many other situations in which to find a point we require to describe it, its position with reference to more than one line. बहुत सारी सिचुएशन में हमको किसी पॉइंट को प्लेस करने के लिए, किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए दो लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है. We require two lines. For example, these are the situations. जैसे crossing of street, जब दो road एक दूसरे को काटती हैं तो जहाँ पर काटती हैं वहाँ पर point हमको मिल जाता है. तो और जो street हो गई, जो road हो गई, that is they represent the line. Similarly, put a dot on the paper. किसी paper में अगर हमको dot को place करना है या ब्लैक बोर्ड में किसी पॉइंट को प्लेस करना है तो वहाँ पे भी हमको दो परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ती है. सिमिलरली सीटिंग प्लान, दीज आर द सिचुएशन. सीटिंग प्लान जब करते हैं तो आपको रो और कॉलम, रो एंड कॉलम मीन्स कि वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस. सो इन दीज सिचुएशंस वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ प्लेन. This simple idea has for reaching consequences and has given rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry. तो यहाँ पे हमको इस सिचुएशन में जब किसी पॉइंट को प्लेस करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ रही है, सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस वी हैव to get with the help of that branch, with the help of this branch of mathematics, which is called the coordinate geometry. So here in this chapter we shall discuss, our aim is to introduce some basic concepts of coordinate geometry.
एंड ऑल्सो द टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमको मेनली यही चीज़ पढ़ना है कि कौन कौन सा टर्म्स यूज होता है। नाउ द वन मोर थिंग हियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन रेनी डिकार्टिस, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कभी कभी वन मार्क्स क्वेश्चन पूछ देता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो आंसर विल बी रेनी डिकार्टिस। सो रिमेंबर इट फॉर द वन मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि यही पूरा इसको डेवलप किए थे, तो उन्हीं के नाम से इसको हम लोग कह सकते हैं कि ही इज़ नोन एज द फादर। नाउ हियर वन मोर टर्म्स विच इज़ यूज्ड, इट इज प्लेन। A plane is a flat surface such that a line segment joining any of its two points lies wholly in it. Plane ऐसा एक flat surface होगा जिसमें अगर हम लोग कहीं पर दो point को ले लेते हैं उस plane में, और उस points को अगर join करेंगे तो जो line segment मिलेगी वो पूरी पूरी उस plane पर lie करेगी। क्योंकि अगर वो curved surface होगा, और कर्व सरफेस में अगर हम दो पॉइंट लेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि वो लाइन सेगमेंट उस सरफेस में लाई करे। सो प्लेन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इट इज़ अ फ्लैट सरफेस इन विच इफ वी चूज एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस एंड ज्वाइन देम, सो वी गेट अ लाइन सेगमेंट विच इज़ टोटली लाई ऑन दैट सरफेस एंड विच इज कॉल्ड अ प्लेन। सो हियर वी हैव अवेयर विद द नंबर लाइन एज वेल एज प्लेन। सो नाउ फाइनली द क्वेश्चन इज वाई वी हैव स्टडीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो नया चैप्टर, नया ब्रांच है मैथमेटिक्स का, तो ये क्वेश्चन तो राइज होता ही है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, वाट इज द यूज। वाई क्वेश्चन इज वाई वी हैव स्टडीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, so its answer is to locate the position of an object or a point in a plane. For this we require two perpendicular lines, one of them is horizontal line and other is vertical line. हम number line में किसी point को place कर सकते हैं, ये तो पहले से हमको पता है, but अगर किसी plane में हमको किसी point को place करना है तो इस तरह का जो नॉलेज होगा वो हमको यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही होगा। तो इसका यूज़ यही हुआ कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन द प्लेन, एंड हियर द टू परपेंडिकुलर लाइंस आर यूज सो दैट द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन ये रेनी डिकार्टिस के नाम से ही पड़ा है, कार्टेशियन आर कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे आपको ये टर्म्स यूज़ हो रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.1।